नमस्ते, मैं हूं कैलाश। प्रेक्षा योगा में आपका स्वागत है। प्रेक्षा योगा के सेशन करने से पहले हम अपने सेशन की तैयारी कर लें। तो सबसे पहले हम प्रेक्षा योगा किट खोलकर ये चेक कर लें कि उसमें सभी जरूरी सामान हो। इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जिनकी व्यवस्था आपको घर पर करनी है। ये सब चीज़ें आपको आपके घर पर आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं प्रेक्षा योगा किट से। प्रेक्षा योगा किट में आपको शोल्डर एक्सरसाइज करने के लिए एक शोल्डर एक्सरसाइज बैंड, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने के लिए दो एक्यूप्रेशर थम्स जिनको आपको ऐसे अंगूठे में पहनकर यूज करना है, ऐसे अंगूठे में पहनकर और ऐसे पॉइंट्स दबाने हैं। जहां पर भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो पॉइंट्स सारे दबाने हैं। इसके अलावा आई वॉश करने के लिए दो आई वॉश कप, दो विजन चार्ट, एक आई कूल मास्क, एक आई मास्क पामिंग के लिए, एक पिनहोल ग्लासेस। पिनहोल ग्लासेस को आपको दिन में 2 से 4 घंटे पहनना है। जब कभी भी आप पहनना चाहे तब इसको पहन ले, दिन में किसी भी टाइम। याद रखें, ड्राइविंग करते समय या कहीं बाहर जाते समय, रनिंग एक्सरसाइज वॉकिंग या कोई भी ऐसा काम जिसमें आप स्पीड से कुछ कर रहे हो, उस वक्त इस ग्लासेस को ना पहने। डाइट चार्ट, और इसके साथ साथ आपको आपका प्रोग्रेस कार्ड भी इसमें मिलेगा, ब्लिंक एंड रीडिंग बुक, विजन चार्ट, ये सारी चीजें आपको किट में मिलेगी। इसके अलावा जिन चीजों की व्यवस्था आपको किट में घर पर करनी है उनमें आरओ का ठंडा पानी, याद रखें पानी बहुत ज्यादा ठंडा इस्तेमाल नहीं करना है, आरओ का पानी हो बिल्कुल साफ फिल्टर किया हुआ और थोड़ा सा ठंडा हो, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं। आई एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस में बॉल की जरूरत पड़ेगी, एक टेनिस बॉल की व्यवस्था पहले से कर ले। स्टीम लेने के लिए स्टीमर, अगर आपके घर पर यह स्टीमर नहीं है तो आप घर पर किसी भी भगोने में 1 लीटर पानी डालकर उसको बॉयल कर ले, और बॉयल करने के बाद गैस बंद कर दे और उसको टेबल पर रखकर टॉवल से ढक करके चेहरे पर भाप ले। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते समय मैं आपको गाइड करूंगा। चेहरे को कवर करने के लिए एक टॉवल, इन सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। इन सारी चीजों की व्यवस्था आप अपने सेशन से पहले कर ले ताकि आप अपना कीमती समय बर्बाद ना करें और आपकी सारी एक्सरसाइज एक कंटिन्यूटी में रेगुलर हो जाए और लगातार हो जाए, जिससे आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। प्रैक्टिस रेगुलरली, फॉलो डाइट रेगुलरली, फॉलो 1-10 feet रूल, स्टे हैप्पी, हमेशा खुश रहें। हफ्ते में कम से कम एक दिन नमक और चीनी का उपवास रखें, उस दिन नमक और चीनी बिल्कुल कंज्यूम ना करें। ब्लिंक करने की आदत डालिए और ब्लिंक करने को हैबिट बनाइए। 6 से 8 घंटे की रेगुलर नींद लीजिए। मोबाइल और टीवी लैपटॉप का अननेसेसरी यूज मत कीजिए। खाने में पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक इस्तेमाल कीजिए। स्मोकिंग मत कीजिए। कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर मत सोइए। लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते समय स्क्रीन्स को ज़्यादा देर तक ना घूरें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। मैदा प्रोडक्ट्स, पैक्ड फूड, अचार, पापड़, नमकीन और फ्राइड आइटम्स को अवॉइड कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आप अपना समय बचाइए और सेशन की तैयारी पहले से कर ले। प्रेक्षा योगा शुरू करने से पहले हमें अपना विजन टेस्ट करना है ताकि हम प्रेक्षा योगा करने के बाद अपने विजन में अपनी इम्प्रूवमेंट को चेक कर सके और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके कि हमारा विजन कितना इम्प्रूव हुआ है। तो इसी दिशा में सबसे पहले ये विजन चार्ट आपको
बालकनी में या किसी ऐसी जगह लगाना है जहां पर 6 मीटर की डिस्टेंस हो। इस चार्ट को अच्छे से ऐसी जगह में चिपकाइए जहां पर भरपूर और अच्छी रोशनी आती हो, एक एक लेटर अच्छे से दिखाई दे। और सबसे पहले हम चश्मे के साथ विजन चेक करेंगे। तो चार्ट को लगाने के बाद अपनी आई साइट और हाइट लेवल पर चिपकाइए। चाहे आप कितने भी साल के हैं या कितनी ही आपकी हाइट है, आप हमेशा इस विजन चार्ट को अपनी हाइट के हिसाब से चिपकाएंगे। चार्ट को चिपकाने के बाद आप 6 मीटर दूर से अपना विजन चश्मे के साथ चेक करेंगे। सबसे पहले 6 मीटर दूर खड़े होकर अपना विजन लेफ्ट आई को बंद करके चेक करिए आप कितनी लाइन पढ़ पा रहे हैं विद ग्लासेस चश्मे के साथ। अगर आप चश्मे के साथ एक लाइन पढ़ पा रहे हैं तो आपका विजन 6x60 है। अगर आप 3 लाइन पढ़ पा रहे हैं तो 6x24, 4 लाइन पढ़ पा रहे हैं तो 6x18, 5 पढ़ पा रहे हैं तो 6x12, 6 लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो 6x9, और अगर आप 7वीं लाइन पढ़ते हैं तो आपका विजन परफेक्ट 6x6 है। इसमें आपको ये याद रखने की ज़रूरी बात है कि आप वही लाइन अपने विजन प्रोग्रेस कार्ड में लिखेंगे जो लाइन आपको बिल्कुल क्लियर दे रही है। मान लीजिए आपको ये लाइन क्लियर दिखाई दे रही है या ये, जो भी लाइन आपको क्लियर दिखाई दे आप उसी लाइन को लिखिए। जो भी लाइन धुंधली दिखाई देती है उसको नहीं लिखना है। लेफ्ट आई से बंद करके आपने राइट आई का विजन चेक कर लिया और उसको विजन प्रोग्रेस कार्ड में चेक कर लीजिए और उसके बाद उसमें एंट्री कर दीजिए, डेट के साथ उसको लिख लीजिए। उसके बाद आप राइट आई बंद करिए और लेफ्ट आई से ठीक वैसे ही चेक करिए 6x60, 6x36, 6x24, 6x18, 6x12, 6x9 और 6x6। जो भी लाइन आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है उसको आप अपने विजन प्रोग्रेस कार्ड में लिख लीजिए। ये आपका विद ग्लासेस विजन हुआ। अब बिना चश्मे के 6 मीटर से चेक करिए कि आपका विजन कितना है। 6 मीटर से अगर आप एक लाइन पढ़ पा रहे हैं तो वही 6x60। विदाउट ग्लासेज अगर आपको 6 मीटर से एक भी लाइन नहीं दिखाई दे रही है तो आप आगे आ जाइए 4 मीटर, 3 मीटर या जहां से आपको लगता है कि आप ये सारी लाइनें देख पा रहे हैं, चाहे वो 1 मीटर ही क्यों ना हो बिना चश्मे के। अगर आप 2 मीटर से इसको देख रहे हैं, 2 मीटर से आपको सिर्फ 3 लाइन दिख रही है तो 2x24, 2x18, 2x12 या 4 मीटर से आप देख रहे हैं तो वैसे ही अपना विजन प्रोग्रेस कार्ड में लिख ले। पहले लेफ्ट आई बंद करके राइट आई का चेक करें, फिर राइट आई का बंद करके लेफ्ट आई का चेक करें। उसके बाद हर हफ्ते विजन को चेक करना है ताकि आपको अपने विजन में होने वाली इंप्रूवमेंट का पता चल सके।